Hey everyone, this is Arpita Nath and welcome back to my channel. Well, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हस्बैंड लंच बॉक्स आइडिया फॉर द होल वीक. बहुत ही सिंपल, टेस्टी और हेल्दी फूड रखने की मैंने कोशिश की है. एक ही टाइप के ग्रेवी के थ्रू मैंने तीन तरह की सब्जियाँ भी बनाई है इस वीडियो में, वो भी आप देखिएगा. तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए हुए. सबसे पहला दिन आता है मंडे और मंडे को आज मैं दे रही हूँ शिमला मिर्च पनीर विद लच्छा पराठा. शिमला मिर्च पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, एक टमाटर, 5 से 6 लहसुन के कलियां और 1/2 इंच करीबन अदरक का टुकड़ा. इन सबको मैं एक ही साथ मिक्स में डालकर ग्राइंड कर लूंगी. दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ले लिया है रिफाइंड ऑयल. मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है. आप चाहे तो घी या फिर जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें भी बना सकते हैं. एक शिमला मिर्च लिया है जिनके बीजे मैंने निकाल दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनको मैं फ्राई कर लूँगी. हमें इनको हल्का गलाने तक यानी कि ब्राउन होने तक फ्राई करना है और फिर फ्राई होने के बाद उसी ऑयल में मैं पनीर जो है वो भी मैं फ्राई कर लूँगी. पनीर के फ्राई होने के बाद अब हम उसी पैन में जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का वो डाल देंगे. आपने ध्यान दिया होगा मैंने इसमें और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है. अब हम प्याज टमाटर के पेस्ट को भून लेंगे और भूनने के बाद जब उसका कच्चापन निकल जाएगा तब जो नॉर्मल जो मसाले होते हैं धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, वो हम डाल देंगे सब्जी के अंदाजे के अनुसार और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे जब तक कि मसाले अपना तेल ना छोड़ने लगे. जब मसाले अपना तेल छोड़ने लगेंगे तब हम उसमें जो फ्राई शिमला मिर्च और पनीर है वो डाल देंगे. मटर को मैंने बॉयल कर लिया था क्योंकि यहाँ पर फ्रोजन मटर है और फ्रोजन मटर का जो पानी होता है वो मैं हमेशा निकाल देती हूँ. फिर हम थोड़ा सा और पानी देंगे और पानी डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक और बॉयल करेंगे. 4 से 5 मिनट के बाद हम बॉयल करने के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके और जो हमारी सब्जी है वो एकदम तैयार है. अब मैं बनाने जा रही हूँ लच्छा पराठा. लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लोई ली थी. लोई को हम बेल लेंगे और फिर उसके बीच में हम घी लगा देंगे. घी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर आगे पीछे करके इसको इस टाइप में फोल्ड कर देंगे. दोबारा से लोई को आटा लगाकर हम दोबारा से शेप पे दे देंगे रोटी का और रोटी का शेप देने के बाद अगेन हम इसमें थोड़ा और घी लगाएंगे. लच्छा पराठा बनाने के लिए आप जितनी बार इसको मिनिमम 3 से 4 बार इसको फोल्ड करना होता है, लेकिन मॉर्निंग में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मिनिमम आप 2 बार भी फोल्ड करके आप इस टाइप से इसको बना सकते हैं. फिर हम तवे में डालकर उसको सेक लेंगे दोनों तरफ से. जब दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा और घी लगाएंगे. आई नो कि गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वंस इन अ मंथ हम लोग ये लच्छा पराठा बनाकर खा सकते हैं. आई थिंक ये वंस इन अ मंथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब दोनों तरफ फेंकने के बाद जो हमारे लच्छा पराठा है वो एकदम तैयार हो गया है. अब हम इनको क्रश करके टिफिन में पैक कर देंगे. 2 पराठे दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही हैवी होता है. दूसरी तरफ मैंने पनीर की सब्जी भी दे दी है यहाँ पर. थोड़े मैंने इसको गाढ़ा गाढ़ा बनाया है, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनाई है. अब मैं सैलेड बना रही हूँ. सैलेड के लिए मैंने यहाँ पर मूली लिया है, पालक के पत्ते लिए हैं, गाजर लिया है, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती लिया है और अगर खीरा हो तो वो भी आप ले सकते हैं. अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके बोल में डाल दूँगी, टिफिन बॉक्स में डाल दूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी ऊपर से. अगर आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं और हमारा जो सैलेड है वो एकदम तैयार है. और ये है मेरा आज का मंडे का लंच जो कि मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूं. अब आते हैं हमारी ट्यूसडे का. ट्यूसडे को मैं दे रही हूँ आज लंच में राजमा और जीरा राइस. राजमा बनाने के लिए मैंने वही सब चीज़ें लिया है, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक. टमाटर की क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, राजमा में टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, मीन्स 1 प्याज तो 2 टमाटर. खड़े मसाले है, मैंने पैन में घी डाल दिया था, थोड़ा सा घी डाला है 2 चम्मच करीबन और खड़े मसाले डाल दिए हैं जिसमें कि है 1 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग और 1/2 इंच करीबन दालचीनी का टुकड़ा. अब खड़े मसाले जब 1 मिनट तक भुन जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे प्याज टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो. जब प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, कच्चापन इसका निकल जाएगा, तब हम उसमें नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए. अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा
पानी डालते जाएगी जिससे कि मसाले भुन जाए, जले भी ना, और 3 से 4 मिनट में जो हमारे मसाले हैं वो भुन जाएंगे। पानी बीच में डालते जाएगी क्योंकि तेल हम इसमें कम डालते हैं, तो तेल की वजह से क्या होता है मसाले नीचे जलने लगते हैं, तो हम अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे तो मसाले नीचे लगेंगे नहीं। राजमा जो है वो मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा हुआ था और फिर मॉर्निंग में उठकर उसको कुकर में डालकर 5 से 6 सीटियां बजाकर गला लिया था। राजमा हम मसाले भुनने के बाद डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 2 चम्मच ले रही हूँ करछी कहिए, इनकी मदद से मैं जो राजमे के दाने हैं कुछ कुछ दाने में मैश कर लूँगी, और मैश करने के बाद क्या होगा जो राजमा की जो ग्रेवी है वो और अच्छी थिक हो जाएगी और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। फिर हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया के पत्ते, धोने के बाद मैंने बारीक काट कर डाले हैं। उसके बाद हमें राजमा की ग्रेवी को 5 मिनट तक तेज आंच पर बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है थोड़ा सा घी और खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले में नॉर्मल जो खड़े मसाले होते हैं वही होगा। खड़े मसाले के डालने के बाद हमें 2 मिनट तक धीमे आंच पर आंच में पैन को कवर करके रखना है ताकि खड़े मसाले का जो टेस्ट है वो घी में मिल जाए। अब मैंने चावल जो है वो 15 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था, चावल मैंने डाल दिया है। चावल में नमक डाल देंगे, अच्छे से खड़े मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। ये जो बोल है मैंने ये वाला बोल लिया था चावल के लिए, 1 बोल चावल रहेगा तो 2 बोल रहेगा पानी। पानी डालने के बाद थोड़ा सा चीनी डालेंगे और फिर धीमी आंच में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चावल हमारे बन जाएंगे, पक जाएंगे। चावल एकदम रेडी है 10 मिनट के बाद। अब हम जो हमारा जो लंच है वो मैं पैक कर रही हूँ। राजमा भी बन गया है, जीरा राइस भी बन गई है। मखाने दे रही हूँ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे रही हूँ, 1 खीरा दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू और मखाने हैं, थोड़ी किशमिश है। बस ये है आज का ट्यूसडे का लंच। अब आती है वेडनेसडे की बारी। वेडनेसडे का मैं बना रही हूँ आलू भिंडी विथ पूरी। आलू भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा डाला था, बारीक कटी हुई प्याज डाली थी, और यहाँ पर 1 बड़ा आलू है जिनके मैं छोटे छोटे टुकड़े करके काट कर रख दिए थे, वो मैं डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करीबन भिंडी है वो मैंने काट कर रख दिए थे, वो मैं डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेगी, 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकाएगी। उसके बाद मैं उसमें धीरे धीरे मसाले डालूंगी। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच क्या कहते हैं लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और मसालों को अच्छे से मिक्स करके कवर करके पकाएगी। अभी मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि पहले अगर नमक डाल देंगे तो क्या होता है भिंडी पानी छोड़ने लगता है। भिंडी जब आधी हमारी गल जाएगी तब मैंने बीच में नमक डाल दिया था, वो मैं दिखाया नहीं था, और भिंडी हमारी एकदम आलू भिंडी तैयार है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अजवाइन पूरी। अजवाइन पूरी बनाने के लिए मैंने आटे में नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। घी में घी के साथ हम पूरी को अच्छे से मोयम दे देंगे। मोयम जब हमारा अच्छे से पड़ जाएगा तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा हमारा गूंद गया है, अब आटे को 15 मिनट के लिए हम अलग से रख देंगे। दूसरी तरफ मैं खीरा और टमाटर काट रही हूँ, सलाद के रूप में मैं दे दूंगी। मैं हमेशा लंच के साथ कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो या फिर सैलेड हो। दिन भर ये लोग बाहर रहते हैं, लंच करने के बाद इवनिंग के टाइम अगर छोटा मोटा भूख लगता है तब ये काम आता है। उनको बाहर जाकर कुछ खाने की या फिर बाहर से कुछ लाकर खाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बातों ही बातों में जो सैलेड है वो भी मेरे कट गए हैं, अब मैं इनको पैक कर लूँगी। आटा जो है वो भी 15 से 20 मिनट तक मैंने रख दिया था, अच्छे से फेट हो गया है। अब मैं छोटी छोटी लोइयां लेकर पूड़ियां बना लूंगी और फिर उनको तल लूंगी। मेरी पूड़ियों का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग पूड़ियां जो है वो बेल सकते हैं। और यह है आज का वेडनेसडे का लंच, आलू भिंडी की सब्जी, खीरा और टमाटर का सैलेड विद अजवाइन की पूरी। अब आती है बारी थर्सडे की। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन ग्रेवी विद रोटी। बहुत ही सिंपल खाना रहेगा। यहाँ पर मैंने न्यूट्रेला का सोयाबीन लिया है, थोड़े से पानी में और थोड़ा नमक डालकर मैं इन सोयाबीनों को गर्म पानी में उबालने के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से फूल जाए, और फिर बाद में पानी को निकालकर निचोड़कर इनको यूज करूंगी। ग्रेवी बनाने का मेथड वही रहेगा, प्याज, 1 प्याज, 1 टमाटर, 4 से 5 या 6 लहसुन के कलियां और थोड़ा अदरक का टुकड़ा, इन सबको मैं एक साथ मिलाकर मिक्स
कॉफी में ग्राइंड कर लूंगी तो टाइम की बचत होती है और 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी जो ग्रेवी होती है वो अच्छे से भुन जाती है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच जीरा, और जीरा जब हमारा अच्छे से तरकने लगेगा यानी कि मतलब पक जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी हमारा ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। अब इस पेस्ट को भूनने के लिए हमें 5 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि टमाटर भी है प्याज भी है, इन दोनों को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तेल, अगर मैं आपको यहाँ पर टिप्स बता देती हूँ, अगर आप तेल कम तेल में खाना बना रहे हैं और आपका जो मसाला है वो नीचे से जलने लगा है तब हम उस पर क्या करते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं जिससे क्या होता है मसाला जलता भी नहीं है और अच्छे से जो हमारा जो प्याज टमाटर की जो ग्रेवी है वो अच्छे से भुन जाती है। बातें मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो मसाले होते हैं हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर धनिया वो डाल दिया था, और मसाले जो पहले आपने ऑलरेडी देखे हो कि मैं कैसे भूनती हूँ वैसे करके मैंने भून लिए थे। जब मसाले अच्छे से तेल छोड़ने लगेंगे तब मैं उसमें डाल रही हूँ, नमक मैं एक्चुअली डालना भूल गई थी वो मैंने बाद में डाला है, मैं उसमें पानी की मात्रा बढ़ा देती हूँ और जो हमारी ग्रेवी है उसको उबालने के लिए छोड़ देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। दूसरी तरफ 5 मिनट तक मैंने सोयाबीनों को गर्म पानी में उबाल लिया था, अब मैं उसका पानी निचोड़ कर अलग कर लूँगी और इन सोयाबीन की जो बड़ी है इन बड़ियों को मैं डाल दूँगी ग्रेवी में। ग्रेवी हमारी 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से बॉयल हो रही थी, मैंने सोयाबीन की बड़िया डाल दी है, अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म मसाला और आखिरी में कसूरी मेथी या फिर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। कसूरी मेथी डालने से जो ग्रेवी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है और अच्छा भी लगता है। और ये हमारी सोयाबीन बड़ी की सब्जी एकदम तैयार है, ये मैंने रख दिया है। रोटियां भी मैंने बेल कर रख दी थी, मतलब वो भी तैयार है रोटियां, और आज मैं दे रही हूँ खरबूजा काट कर और एक खीरा। अब बारी आती है फ्राइडे की, और फ्राइडे को मैं आज बना रही हूँ बीन्स फ्राई विद अरहर की दाल एंड राइस। बीन्स जो है वो मैंने रफली काट लिए थे, अब मैं छोटे छोटे चॉप कर रही हूँ प्याज। प्याज को काटने के बाद मैं पैन में दूंगी मस्टर्ड ऑयल, ऑयल गर्म होने के बाद नॉर्मली जैसे जीरा देते हैं वो देंगे। बीन्स की जो सब्जी है वो मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने जो एक प्याज बारीक काटा था वो मैं डाल रही हूँ। प्याज जब हमारा हल्का हल्का भुन जाएगा एकदम गोल्डन हो जाएगा, ब्राउन नहीं करना है, जब ये प्याज गोल्डन कलर का हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी बीन्स। बीन्स को मैंने बहुत छोटे नहीं काटे हैं, रफली काटा है, आधा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी में मॉर्निंग में जैसा सब्जी कटता है वैसे मैंने काटे हैं। बीन्स डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, और पैन को कवर नहीं करेगी, खुले पैन में 5 मिनट तक हमें इनको पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम से लो फ्लेम पर। दूसरी तरफ मैंने लहसुन को भिगो कर रखा हुआ था, भिगो कर रखने से लहसुन के जो छिलके होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। 5 से 6 लहसुन हैं जो कि मैं अच्छे से क्रश कर दूंगी, और 1/2 इंच धनिया है सॉरी अदरक है। मेरा जो ये जो अदरक लहसुन को अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बीन्स है वो 5 मिनट तक हमने मैंने पका लिया था, अब मैं उसमें डाल दूंगी ये जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था क्रश करके वो मैं डाल दूंगी, और इसको 5 मिनट तक कवर करके दोबारा से पकाना है। यहाँ पर मसाले ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट मसाला रहेगा, 3/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून रहेगा टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, 3/4 टीस्पून रहेगा आमचूर पाउडर, थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1/2 टीस्पून रहेगा ब्लैक पेपर यानी कि काला जो काली मिर्च होता है वो, 1/4 टीस्पून रहेगा गर्म मसाला पाउडर, और थोड़ा सा रहेगा कसूरी मेथी। ये मसाले एकदम रेडी है, पूरा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, 1 चम्मच जो खाने वाला होता है वही डालेंगे। बीन्स हमारी 10 मिनट से पक रही थी एकदम गल गई है, अभी भी थोड़ा सा है, एकदम से गला नहीं है, मतलब ये आधे से ज़्यादा कुक हो गया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जब ये बीन्स हमारा आधे से ज़्यादा कुक हो जाएगा तब मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिया था, और 1 चम्मच जो मैंने मसाले बनाए थे वो डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक और मीडियम से लो फ्लेम पर भुनने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल। चावल बनाने का वही तरीका है, मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, 1 बोल चावल लिया था, 2 बोल में पानी डालूंगी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। अरहर की जो दाल है वो मैं बनाने के लिए जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसका यूज़ करूँगी। ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरा जब लाल हो जाएगा तब मैंने इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाली थी। लहसुन की कलियाँ जब अच्छे से पक जाएगी तब मैं इसमें डालूंगी प्याज बारीक कटा हुआ।
दूसरी तरफ जो चावल है, चावल में मैं नमक डालना भूल गई थी, वो मैंने डाल दिया है। प्याज जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक टमाटर और नमक। नमक डाल देंगे तो टमाटर जो है वो हमारा जल्दी गल जाएगा। जब हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा 4 से 5 मिनट के बाद, मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने रखा था गैस को, तब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बस, और कुछ भी नहीं पड़ेगा इसमें। हल्दी को अच्छे से हमें मिक्स करना है जैसे कि हल्दी का जो कच्चा जो फ्लेवर होता है वो हमारा पक जाए। अरहर की दाल को मैंने बॉयल कर दिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमें इसको तेज आंच पर हमें इसको 5 मिनट तक उबालने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से जो दाल है वो अच्छे से हमारी पक जाए। चावल हमारी रेडी है, यहाँ पर दाल भी जो हमारी है वो तेज आंच पर उबल रही है और बीन्स की सब्जी भी हमारी रेडी हो गई थी, वो ऑलरेडी हाफ मतलब कुक तो हो गई थी। टमाटर और मसाले डालने के बाद हमें 5 मिनट तक और उसको कुक करना था। अब मैं लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चावल दे दिया है, अरहर की दाल दे दी है, बीन्स की सब्जी दे दी है जो कि थोड़ी थोड़ी खट्टी होगी क्योंकि आमचूर पाउडर उसमें ज़्यादा है। बहुत ही खाने में अच्छा होता है, डिलीशियस होता है, एक बार बनाकर देखिएगा। और मैंने एक्स्ट्रा में दिया है यहाँ पर तरबूज। और ये था मेरा आज का जो हस्बैंड लंच बॉक्स आइडिया है फुल वीक का, वो है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।